मैम स्टार्ट करो क्लास। हेलो मैम, नमस्ते। ના આવ્યો ભાઈ, બચ્ચે તો કાપી આ ગઈ લેકિન। હેલો મેમ, मैम नेटवर्क नहीं आ रहा था, ऐसे कुछ गड़बड़ है। मैम की आवाज ही नहीं आ रही भाई। भाई कैसे वो नहीं आ रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा मैम की वहां पे। मैडम अजय भाई, यार बोलो मैम को, यार क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, समय हो जा रहा है। ओके नहीं क्या होगी होगी। हेलो राइका जी, हेलो राइका जी, हेलो हेलो दर्शन,
अरे तेरा नंबर, तेरा वाले नंबर पे फोन कर देना बाद में कक्षा के बाद। हाँ ओके मैम ने माइक बंद कर रखा है सर। मैम मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद मैम रिकॉर्ड कर रही है, क्या कि क्या बोल रहे हैं? वीडियो रिकॉर्ड कर रही है अभी मैम। हरिओम, हाँ आपका आवाज आ रही है। जी मैम यस हाँ मैम अधूना आए थे। हाँ तो देखो अब आप लोग बीच में कब ऑडियो अपना ऑन नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आज। और आप लोगों की आवाज जो है, ये जो है क्लास है, ये रिकॉर्ड हो रही है, आपको लिखा हुआ आ रहा है ना, आ रही सी, जिस भी क्लास में ये आ रही सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि तो आप वो आप पेपर पे लिख लें और लास्ट में डिस्कस करें उसको, ठीक है? तो है ना हम बात करते हैं कि हमने पिछली बार, पिछली क्लासेस में हमने सुना था, पढ़ा था कि कंप्यूटर को हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर के जितने भी यांत्रिक भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो सभी डाटा सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, और जो कंप्यूटर के यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये हार्डवेयर को हमने कितनी भागों में बांटा, ये सब हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। कि देखो हार्डवेयर को हमने चार भागों में बांटा है। कौन कौन से चार भागों में बांटा है? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना? इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? कीबोर्ड और माउस। ये इसमें लास्ट में सब आपको अलग से और डिस्कस किया जाएगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और क्या कार्य करते हैं, सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं इस वाली जो स्लाइड है उसमें शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। तो इनपुट डिवाइस की मदद से आप डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। तो आप किससे टाइप करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करते हैं। और कमांड किसकी मदद से देते हैं? माउस की मदद से आप कमांड देते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप देख रहे हैं, ये है लास्ट में आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, यानी कि आउटपुट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको आउटपुट दिखाने का काम करते हैं। जैसे मैंने जो टाइप किया है उसको मैं देखना चाहती हूँ, तो किसकी मदद से देखूंगी? मॉनिटर की मदद से देखूंगी। तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा, आप प्रिंटर की मदद से प्रिंट करवा सकते हो उसको, तो वो प्रिंटर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा जिसकी मदद से प्रविष्ट कराया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसकी मदद से डाटा को डिस्प्ले कराया जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और जिस डिवाइस की मदद से आप प्रोसेसिंग करते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, और जिस डिवाइस की मदद से आप कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना? तो स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हमने कंप्यूटर में कोई डाटा प्रविष्ट कराया तो
तो वो कहीं ना कहीं तो स्पेस लेगा ही ना कहीं तो रखा ही जाएगा। कोई भी वस्तु जो होती है शून्य में नहीं रहती। हवा भी जो होती है, जैसे आप कोई गुब्बारा है, गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हवा भी क्या करती है, स्पेस लेती है, ठीक है ना, हवा भी स्पेस लेती है। तो इसलिए शून्य में कुछ भी नहीं रहता, हर कुछ ना कुछ डाटा होगा या फिर कुछ और भी होगा, सब कुछ ना कुछ स्पेस लेंगे। कोई सॉफ्टवेयर होगा वो भी जगह लेता है कंप्यूटर में, ठीक है ना, और डाटा जो प्रविष्ट कराते हैं वो भी कोई ना कोई जगह लेता है। तो वो कहाँ पर डाटा को स्टोर कराएं, उसके लिए क्या कौन से डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। उस पर हम आगे और विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं केवल। अब इनपुट डिवाइसेस को भी हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भागों में बांटा है, स्कैनिंग डिवाइस, मतलब जिसके द्वारा डाटा को स्कैन कराया जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो स्कैनिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरे होते हैं कीइंग डिवाइसेस, यानी कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप देखते हैं ना बहुत सारी कीज होती हैं, तो इसलिए उसको कीइंग डिवाइस बोलते हैं। और पॉइंटर को हम बोलते हैं, यानी माउस का आपने देख रहे हैं कि ये माउस का पॉइंटर होता है, ये आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा, एक आपको एरो है जो कंटिन्यू चलते हुए दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है ना। तो वो एरो की तरह होता है, वो किसकी मदद से आता है, माउस के घुमाने से आता है, यानी कि माउस क्या हुआ, पॉइंटिंग डिवाइस हुआ। और दूसरे होते हैं वो डिजिटल कैमरा है, वॉइस इनपुट है, ये सब क्या होते हैं, डिजिटलाइजर डिवाइसेस होते हैं। तो ये तो हो गया हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को आपने देखा इस तरीके से कंप्यूटर में अरेंज रहता है, ये जो होती है ये व्यवस्था होती है, इसलिए इसको हम वो भी कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहलाता है। तो ये देखिए, इनपुट डिवाइसेस की मदद से आप कंप्यूटर में डाटा को जो प्रविष्ट कराते हैं वो कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है। अब आपको आगे बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो जब आपने कंप्यूटर में डाटा डाला तो वो कहीं ना कहीं तो जगह ले गई, तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले मेमोरी में जाता है। फिर हमें प्रोसेसिंग करानी है उस डाटा पर, तो कहाँ जाएगा वो, यहां से देखो डबल हेडेड एरो दिख रहा है, यानी कि मेमोरी से ये डाटा सीपीयू की तरफ जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, और आफ्टर प्रोसेसिंग पुनः मेमोरी में आ रहा है। देखो इधर की तरफ आपको कि इनपुट डिवाइस से मेमोरी में जाते समय सिंगल हेडेड एरो दिख रहे हैं, ये एरो जो है वो किस तरफ जा रहा है, मेमोरी की तरफ जा रहा है, तो ये आपको सिंगल हेडेड एरो दिख रहे हैं, ठीक है ना। मगर मेमोरी से डाटा सीपीयू में जा रहा है और सीपीयू से आफ्टर प्रोसेसिंग वापस मेमोरी में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल हेडेड, यानी कि आना और जाना दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए डाटा का दोनों साइड में फ्लो हो रहा है, डाटा का फ्लो सीपीयू की तरफ भी हो रहा है और पुनः उसका मेमोरी की तरफ भी फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने डबल हेडेड एरो का प्रयोग किया यहाँ पर। फिर मेमोरी से डाटा अब प्रोसेसिंग हो गया, तो अब हमें क्या कराना होता है, डाटा को डिस्प्ले कराना होता है, डिस्प्ले यानी प्रदर्शित कराना होता है, और प्रदर्शित किसके द्वारा कराते हैं, आउटपुट डिवाइस के द्वारा कराते हैं। तो मेमोरी से डाटा कहाँ पर गया, आउटपुट डिवाइस में गया, मॉनिटर पे गया, प्रिंटर पे गया। अगर कोई ध्वनि है, जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो किसकी मदद से, माइक्रोफोन जो है मेरे पास, उसकी मदद से डाटा क्या जा रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है, और कंप्यूटर से फिर आपके पास तक आ रहा है, ठीक है ना। तो स्पीकर की मदद से, स्पीकर भी आप देखते हैं ना, जब कभी आप कोई गाना चलाते हैं तो आप कंप्यूटर को स्पीकर से जोड़ लेते हैं, अब वो गाना स्पीकर की मदद से बाहर स्प्रेड होता है, ठीक है ना। तो उसको जो भी वॉल्यूम देते हैं आप, उस वॉल्यूम पर वो स्प्रेड होता है। तो मॉनिटर की मदद से डाटा, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस है, और भी अदर आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो आगे डिस्कस करे जाएंगे, आगे हम और भी आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनकी सारी व्यवस्था है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ,
कि इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इनके और भी अदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनसे डाटा कहां पर गया? मेमोरी में आया, ठीक है ना। अब मेमोरी में डाटा टेम्परेरी यहां पर स्टोर है, और यहां से भी डाटा कहां गया? प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर में गया, यानी कि सीपीयू में गया। सीपीयू को का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में जाने के बाद यहां पर डाटा पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद डाटा पुनः मेमोरी में आ जाता है, और यहां से फिर डाटा को आउटपुट के लिए मॉनिटर या प्रिंटर या स्पीकर, किसी भी अकॉर्डिंग टू डाटा आप आउटपुट डिवाइस पर भेजते हैं। जैसे आपको प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटर पे आएगा, वो मॉनिटर पे तो दिखेगा ही साथ में, और साथ के साथ आपने प्रिंटिंग कमांड दे दिया तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। और स्पीकर की मदद से अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर आपको मॉनिटर स्क्रीन पे तो दिखाई देगी, मगर स्पीकर की मदद से आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं, तो वो भी इसलिए आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस। और इनकी जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट कराया जाता है, वो मेमोरी में जाता है, फिर प्रोसेसिंग होकर वापस मेमोरी के द्वारा वो आउटपुट डिवाइस में के द्वारा प्रदर्शित कराते हैं। तो ये हार्डवेयर की व्यवस्था है, ये इसका सामान्य इंट्रोडक्शन है। फिर हम डिटेल में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आगे के देखेंगे। जैसे ये इनपुट डिवाइसेस है, हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को ही लेते हैं हार्डवेयर में। तो क्या है इनपुट डिवाइसेस? इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द यूजर एंड टू द कंप्यूटर, यानी कि यह डाटा को यूजर के द्वारा कंप्यूटर में प्रविष्ट कराता है, ठीक है ना। हिंदी में हम कहेंगे कि ये डाटा यूजर के द्वारा। अब बिना यूजर के द्वारा कैसे होगा? कि अगर जब मैं कोई डाटा को टाइप करूंगी तभी वो कंप्यूटर में प्रविष्ट होगा, या फिर मैं माउस से कोई कमांड दूंगी तो वो कंप्यूटर में प्रविष्ट होगा। ऑटोमेटिक आपने बोल के ऐसे नहीं प्रविष्ट करा सकते, ठीक है ना। तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द यूजर एंड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट कराया जाता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से। अब हम जो कीइंग डिवाइस है उसमें इनपुट डिवाइसेस को हमने चार भागों में बांटा था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखो ये स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, कीइंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और डिजिटलाइजर कैमरा है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कीइंग डिवाइसेस में आते हैं कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं? कीबोर्ड की मदद से आप डाटा को इनपुट कराते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो कीबोर्ड की मदद से देते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस टू गिव करेक्टर बेस्ड इनपुट्स। अगर आपको कोई करेक्टर बेस्ड यानी कि कोई टेक्स्ट अगर इनपुट करना है तो आप किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड की। करेक्टर बेस्ड इनपुट्स टू द कंप्यूटर, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू द कीबोर्ड। किसी भी प्रकार का डाटा जो है वो आप कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में दे सकते हो, ठीक है ना। तो कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से यूजर कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट कराता है, इसलिए कीबोर्ड क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। इट इज एन इनपुट डिवाइस टू गिव करेक्टर बेस्ड इनपुट टू द कंप्यूटर, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू द कीबोर्ड। किसी भी प्रकार का डाटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अब ये इसका सामान्य फंक्शनल डायग्राम है जिसमें आपको अलग अलग टाइप की कीज दिखाई दे रही हैं, कि सबसे ऊपर जो कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड पर,
ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये किसका दिख रहा है? कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में एक एस्केप की होती है, ठीक है ना। ये जितनी भी कीज होती हैं उनका कोई ना कोई कार्य होता है, हर की का कोई ना कोई कार्य होता है। अब ये फंक्शनल की, फंक्शन का मतलब ही कार्य होता है, तो हर फंक्शन की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता है। जैसे पावर पॉइंट में F5 की का के द्वारा स्लाइड शो करते हैं आप, ठीक है ना, तो हर फंक्शन की का अलग अलग कार्य होता है। आपको बाद में एक मैं की चार्ट दूंगी, उस की चार्ट की मदद से आप जान पाएंगे कि कौन सी की का क्या कार्य है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सब आपको कीज के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप नॉर्मल आप टाइप करते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है, जैसे ए को प्रेस करते हैं तो ए स्मॉल टाइप होता है, मगर अगर आपको ए को कैपिटल रूप में टाइप करना है, कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में टाइप करना है, तो आप क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैप्सलॉक की है उसको ऑन कर दीजिए, ये यहाँ पर एक कैप्सलॉक की दिखाई दे रही है, कैप्सलॉक की को ऑन करके जब कोई भी करेक्टर आप टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा। वरना दूसरा एक ऑप्शन है कि आप शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे, ये है इसके कैप्सलॉक की के नीचे शिफ्ट की के साथ अगर आप दबाएंगे तो भी आपका जो भी लेटर आप टाइप करेंगे, जो भी करेक्टर टाइप करेंगे, वो कैपिटल लेटर्स में होगा। तो ये जो कीज है इसको हम अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं, जो ये करेक्टर्स है A to Z तक, इनको बोलते हैं हम अल्फाबेटिक कीज, ठीक है ना। और ये आपको ऊपर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं हम? न्यूमेरिक कीज, ठीक है। और कुछ आपको यहाँ शब्द जैसे लिखे दिखे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, स्क्रॉल लॉक है, आपको कैप्सलॉक, यहाँ पर कैप्सलॉक लिखा हुआ दिख रहा है, टैब दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है, अल्ट दिख रहा है, ये सारी की सारी जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज। कौन सी कीज बोलते हैं? कंट्रोल कीज। और यहां पर जो दिखाई दे रही है आपको, ये सब कीज है फंक्शनल कीज। तो एक ही कंप्यूटर में भांति भांति की कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज, ये अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक कीज, और बाकी जितने भी सिंबल होते हैं, सिंबल यानी चिन्ह, कुछ चिन्हों की की दिखाई दे रही है, तो उनको बोलते हैं स्पेशल करेक्टर। ये जो सिंबल होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशल करेक्टर, ठीक है ना। तो ये स्पेशल करेक्टर कीज होती हैं। आपको इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 9 कीज दिख रही है, होम एंड, और ये प्लस माइनस के साइन यहाँ अलग दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिक कीबोर्ड, यानी कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो आप सिर्फ इतने भाग से कीबोर्ड के, केवल इस तरफ के भाग से आप न्यूमेरिक कीबोर्ड के मदद से आप उसको फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आपको प्लस माइनस जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उन सबकी कीज भी है, और जो नंबर्स हैं न्यूमेरिक कीज भी हैं सारी, तो उनकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये है कीबोर्ड का स्ट्रक्चर। जब भी कभी आपको कीबोर्ड देखने को मिले तो आप उनके सारी कीज को ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ कीज जो हैं वो अल्फाबेटिक हैं, कुछ कीज जो हैं न्यूमेरिक हैं, कुछ कीज जो हैं आपको स्पेशल करेक्टर कीज हैं, कुछ फंक्शन कीज हैं, कुछ कंट्रोल कीज हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कीबोर्ड में इन सारी कीज की व्यवस्था होती है, और हर की के द्वारा, ये जो होती है बड़ी सी की, इसको बोलते हैं हम स्पेस बार की। कौन सी की बोलते हैं इसको? स्पेस बार की। अब स्पेस भी एक करेक्टर होता है,
और वो किस प्रकार का करेक्टर होता है, वो ब्लैंक करेक्टर होता है। अब वो ब्लैंक करेक्टर भी मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह घेरता है, क्योंकि जहां पर भी स्पेस होता है, स्पेस भी कोई ना कोई, जैसे दो व्यक्तियों को बिठा, क्लास में 10 लोगों को बिठाया गया, अब 10 लोगों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी रखी गई, तो वो दूरी भी जगह तो घेर ही रही है ना। तो जैसे अभी कोरोना टाइम में अगर कोई एग्जाम कराना है तो क्या करना होगा, हमें एक बेंच छोड़ के एक बेंच पर बिठाना होगा, मगर वो जो बीच में ब्लैंक बेंच जो है वो भी कुछ ना कुछ तो जगह घेर ही रही है ना। तो इसलिए ब्लैंक करेक्टर जो होता है वो भी मेमोरी में स्पेस लेता है कुछ ना कुछ। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पेस बार से जो करेक्टर टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है, ब्लैंक करेक्टर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पेस, ठीक है ना। तो ये हमने कीबोर्ड का डिस्कस किया आज। अब ये वाली क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ाएंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।